को जब अदालत आज लाया गया तो अदालत की इजाज़त से हम चार वकला ने खान साहब से तफसीली मुलाकात की। हमारी तकरीबन डेढ़ घंटा दो घंटा हमारी बातचीत हुई, जिस पे सबसे पहले हमने सवाल किया कि क्या आपको टार्चर तो नहीं किया गया है और आप कैसे फील कर रहे हैं। तो खान साहब ने एक बड़ी ही एक शॉकिंग हमें खबर दी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से अपने सीने में दिल के मकाम पे दर्द फील कर रहे हैं और उन्होंने इस शक का इजहार किया कि डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम में। उन्होंने उनको बताया था कि इंसुलिन जो खुराक में दी जाती है उसके ज़रिए सीड्यूसिंग हार्ट अटैक जो है वो काज किया जाता है, मारने का एक तरीका है। उन्होंने ये शिकायत की। दूसरी उन्होंने ये बताया कि सारी रात उनको जगाया रखा गया नेप के अमले के हवाले से कि उनका रवैया कैसा है। खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन रात को 3 बजे पुलिस लाइन में उसको लाया गया था। पुलिस की रवैये के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के हवाले से शिकायत कि एक गंदा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराम किया गया और उन्होंने उसको खुराक के हवाले से भी कोई खुराक जो है उसको ये जब तक यानी 3 बजे रात से अभी तक कोई खुराक उनको फराहम नहीं की गई है। खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुझे एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा बायनऊ इन्हीं अल्फाज में आपने बताना है। उसने कहा हमने उनको बताया कि इस तरह कौम निकली है, सड़कों पे है, आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत हो रही है। उसने कहा कौम को ये बता दें कि मार्शल ला लगे या आसिम ला लगे, आप लोगों ने डट के खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए। दूसरा मैं आपको ये बता दूं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से खान साहब जो है उसका हौसला, उसकी जुर्रत, उसकी दलेरी वो बिल्कुल अपनी हाइट्स पे थी। एक उन्होंने हमें हिदायत दी तमाम वकला को, ख्वाजा हारिस साहब को, मुझे। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने मेरा कोई केस नहीं लेकर जाना है। उन्होंने कहा है मैं उस पर अदम एतमाद करता हूँ। हमें कल और बैसियत वकील ये मेरी राय है कि इस तारीख़ में कभी हाई कोर्ट के हयाते पर इस तरफ फ़ौज ने यलगार नहीं किए। फ़ौज जाती है वहाँ पे एक शख्स जो हसूल इंसाफ के लिए आया हुआ है, जो इस मुल्क का साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म है, उसको। अच्छा, खान साहब ने ये भी बताया यहाँ पे इसको ज़ख़म पड़ा है पीछे से और उसको उन्होंने बताया कि जब गिरफ़्तार किया गया तो उस पर तशद्दुद हुआ और उसकी तवहीन की गई। मैं खान साहब ने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि चाहे मैं जेल में सारी ज़िंदगी गुजार लूँ लेकिन मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से कोई इंसाफ नहीं चाहिए। जी, आज दो कार्रवाइयाँ थी। एक कार्रवाई थी तोशाखाना केस के हवाले से और दूसरी कार्रवाई थी जो ट्रस्ट है अलकादिर ट्रस्ट, इसके हवाले से वो नेप कोर्ट में थी और तोशाखाना केस जो है वो एडिशनल सेशन जज अमायून दिलावर साहब की अदालत में थी, जबकि नेप के जज बशीर साहब थे। तोशाखाना केस में ये डेवलपमेंट हुई कि आज ख्वाजा आरिफ साहब ने फाजिल जज साहब को ये बताया कि जो आर्डर इसने जुमे के दिन दिया था जिसमें इसने फर्द जुर्म बनाने का हुक्म सादिर किया था, उसी के लिए खान साहब हाई कोर्ट बाय ऑर्डर के लिए गए थे और अगर वो कल का वाक़या ना होता तो वो आज लग चुका होता। दूसरा, ख्वाजा आरिफ साहब ने ये बताया कि ये जो फाजिल जज साहब हैं इसके हवाले से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी है कि हमें तासुब की वजह से इन जज साहब पे एतमाद नहीं है। तो लिहाजा हमने जज साहब को ये गुजारिश की कि आप इस कार्रवाई को मुअख्खर कर दें। ताहम दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने हमसे इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने फर्द जुर्म जो हैं वो आयद करनी चाहिए, जिस पर हम सब ने हमरा इमरान खान अदालत की कार्रवाई का बाइकाट किया। दूसरी बात नेब की अदालत की थी। नेब की अदालत में चूँकि नेब वालों के पास और कुछ नहीं था सिवाय चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के आर्डर की कि जब हाई कोर्ट पे हमला होता है और हमले से वकला पे तशद्दुद किया जाता है, हाई कोर्ट के अमले पे तशद्दुद होता है, बिल्डिंग जो है उसके शीशे दरवाजे तोड़े जाते हैं, ये कानून इसको दहशतगर्दी कहता है। और जब वकला ने गमले तोड़े थे तो इसी हाई कोर्ट ने वकला पे दहशतगर्दी की FIR दर्ज की थी। रेंजर ने यह कार्रवाई की तो अब वो इमरान खान को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। आम आदमी ये काम करे तो 365 या 365 ए है, लेकिन अगर ये रेंजर के अलकार करे तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये अरेस्ट जो है ये कानूनन दुरुस्त है। ये फैसला ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। हमारी तो ताकती अदालतें होती थी, हम जब अदालत रास्ते में भी जाते हैं फैसले हैं कि रास्ते में भी किसी को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। कुजा आपने हाई कोर्ट में दहशतगर्दी करते हुए वकला को मार के शीशे तोड़ के पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पे तशद्दुद करते हुए आप ले गए। लिहाजा ये जो फैसला है इसको हम कंडेम करते हैं। और आज ही खान साहब ने कहा कि हमें आज ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इस फैसले के ख़िलाफ़। हम इंशाल्लाह आज ही इसको ड्राफ्ट करके कल तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं। हम इमरान खान की इस गिरफ्तारी को इलीगल डिक्लेयर कराना चाहते हैं, कानूनन ये इलीगल है। हुआ क्या, रिमांड हुआ नहीं हुआ, फैसला क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ? रिमांड के हवाले से, रिमांड के हवाले से दो चीज़ें जज साहब ने जो है रिमांड का दलाइल सुनने के बाद, ये आप सुन लें, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पुलिस लेन अदालत बन गई है। पुलिस लेन कभी अदालत नहीं बन सकती है कानूनन। दूसरी बात, तमाम दोनों जजों साहिबान को मैंने कहा कि आप चीफ कमिश्नर ने इस जगह को अदालत डिक्लेयर कराने से पहले आपसे कंसेंट ली थी, जिस पर उनका जवाब नफ़ी में था। तो लिहाजा ये जो कार्रवाई आज हुई है, चूँकि इनमें कानूनन कोई एक्नॉलेजमेंट कंसेंट नहीं है जज साहिबान की, तो लिहाजा पुलिस लेन को अदालत डिक्लेयर करना ये इलीगल है। और आज की ये तमाम कार्रवाई जो हुई है वो खिलाफ कानून है, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है। रिमांड के हवाले से जज साहिबान जो थे, पूरे पुलिस लेन को प्रैक्टिकली आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ है। आप अंदर जाएंगे, इतनी पुलिस नहीं है जितनी फौज है। रिमांड के हवाले से जज साहब जो था वो गाड़ी में बैठ के चले गए और इसके बाद उन्होंने कहा जी मैं हुक्म भेजता हूँ कि क्या आर्डर है। हमने 2-2.5 घंटे इंतज़ार किया, अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं आया। फर्द जुर्म का नहीं, वो नेब वाला तो अभी फर्द जुर्म के स्टेज पे नहीं है। दूसरा तोशाखाना वाले में मैंने आपको बताया कि जज साहब ने ये अनाउंस किया कि मैं फर्द जुर्म लगाता हूँ, लेकिन फर्द जुर्म के लिए शर्त है कि जिस पे लगाई जाती हैं उसने उसको दस्तखत करना है। और जिसको इमरान खान ने और उनकी लीगल टीम ने इसका बाइकाट किया, तो लिहाजा ये फर्द जुर्म जो है न बनना तस्वूर होगा। हाँ, खान जो है उसको दवाइयों, उसको कपड़ों, ब्रश, टूथपेस्ट, ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी फराम नहीं की गई है। आप सबको मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल का, हाँ, उन्होंने, हमने अदालत को दरख्वास्त दी कि डॉक्टर फैसल शौकत खानम वाले को बुला ले, वो इनका हेल्थ एग्जामिनेशन करेगा। इस पे भी जज साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर करता हूँ। जिंदाबाद।